दोस्तों अगर आप बीएचएसवी जयसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स बनाम सन हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 50वां मुकाबला भी समाप्त हो चुका है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद उतरी। हैदराबाद की तरफ से नीतीश रेड्डी ने 76, द्रविड़ साइड ने 58 व मैच को फिनिशिंग करने वाली पाली हेनरी क्लासन ने खेली 42 रनों की 19 गेंदों में और 201 रन तक पहुंचा दिया सन हैदराबाद को 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए बटलर व यजस्वी जयसवाल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की मार्को जनसन को कैच जबरदस्त इस तरीके से बटलर और 0 रन बनाकर हुए आउट। उनके बाद आते ही संजू भी हो गए इस तरीके से बोल्ड, बैक टू बैक झटके एक ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दिए, 0 रन बनाकर संजू सैमसन भी आउट हुए। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान को शुरुआत बेहतरीन मिली थी गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों आप सभी को बता दें बेहतरीन बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल और उनके साथी रियान पराग ने, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप काफी अच्छी निभाई। अंत तक मुकाबला जा रहा था और देखते ही देखते जायसवाल ने इसी शॉट के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक भी इस मुकाबले में पूरा कर लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जायसवाल ने, उसके बाद भी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब ये 67 रन पर आ चुके थे नटराजन की अगली गेंद पर पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड। 40 गेंदों में 67 रन लगाकर 2 छक्के व 7 चौके लगाकर जायसवाल आउट हुए और अंत में 1 रन से हैदराबाद की टीम ये मुकाबला जीत गई। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की जीत को 10 दोस्तों अगर आप भी हेनरी क्लासन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बार हेनरी क्लासन ने मैच को बेहतरीन तरीके से फिनिश किया सन हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2024 के 50वें मुकाबले में। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सन हैदराबाद की टीम, क्योंकि टॉस को भी पैट कमिंस ने ही जीता था। द्रविड़ हेड व अभिषेक शर्मा शुरुआत दिलाने आए, लेकिन इस बार शुरुआत बेहद ही खराब रही थी सन हैदराबाद की, जान के पास अभिषेक शर्मा मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके बाद द्रविड़ हेड ने धीमी पारी खेली, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन ये भी 58 रन बनाकर इस तरीके से 44 गेंदों में हो गए थे बोल्ड। तब जाकर मैदान पर द्रविड़ हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ही आउट हुए थे। तब मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी और मैच को फिनिश करने का जिम्मा आ गया हेनरी क्लासन के कंधों पर। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी की और अंत तक 76 रनों की पारी खेली 42 गेंदों में, लेकिन हार्ड हिटिंग की जरूरत थी क्योंकि रन रेट आगे नहीं बढ़ रहा था और वो काम किया मैदान पर नीतीश रेड्डी के सामने हेनरी क्लासन ने। दोस्तों आधे हेनरी क्लासन ने पहली गेंद से ही अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बिखारा। दोस्तों इस मुकाबले में 3 छक्के व 3 चौके जड़े आते ही हेनरी क्लासन ने मात्र 19 गेंदों पर 42 रन ठोक दिए, 221 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और हैदराबाद को पहुंचाया 201 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक और बार हेनरी क्लासन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी काम आई हैदराबाद के। इन दोस्तों आप क्लासन की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप भी नीतीश रेड्डी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। सन हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 50वां मुकाबला भी शुरू हो चुका है, जिसमें टॉस जीता पैट कमिंस ने और बल्लेबाजी को चुना। राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान था जहां रनों की बारिश होने वाली थी, लेकिन शुरुआत सन हैदराबाद के हिसाब से नहीं रही, जानके पास द्रविड़ हेड व अभिषेक शर्मा ने ज्यादा बड़ी शुरुआत नहीं दिलाई। दोस्तों अभिषेक शर्मा आवेश खान की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा ध्रुव जुरैल के हाथों पर लॉन्ग ऑन की तरफ कैच दे बैठे, जिसके चलते पहले शिकार यही बने। अभिषेक शर्मा आउट हुए मात्र 12 रन बनाकर 10 गेंदों में। उनके बाद अनमोल प्रीत सिंह भी आते ही संदीप शर्मा की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हुए अनमोल प्रीत सिंह भी मात्र 5 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी, पर आते ही इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया द्रविड़ हेड के साथ। दोस्तों द्रविड़ हेड भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, द्रविड़ हेड की लेकिन पारी थोड़ी सी धीमी चल रही थी, लेकिन उनका बेहतरीन साथ दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। दोनों ने मिलकर रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया द्रविड़ हेड ने 40 गेंदों पर, तो वो तेजी से खेलने की कोशिश कर रहे थे। 58 रन पर ये पहुंच चुके थे 43 गेंदों पर, तभी अगली गेंद पर इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड, जिस गलते द्रविड़ हेड 58 रन बनाकर 44 गेंदों में अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद भी नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी बल्लेबाजी की और अपना बेहतरीन इसी शॉट के साथ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने। दोस्तों उनका साथ देने आए थे मैदान पर हेनरी क्लासन, और हेनरी क्लासन ने भी सिर्फ 19 गेंदों पर 42 रन ठोकते हुए मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 76 रनों की नाबाद पारी खेली 42 गेंदों में, 8 छक्के व 3 चौके लगाकर और 201 रन तक हैदराबाद की टीम पहुंच गई। जी हां दोस्तों 200 रन तक हैदराबाद को नीतीश कुमार रेड्डी की पारी ने पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आप नीतीश कुमार रेड्डी की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप भी शशांक सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 49वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन पारी खेली 68 रनों की। काफी धीमी ये पारी थी क्योंकि 48 गेंदों में आई थी, मात्र 162 रन बना पाई इनकी धीमी पारी के चलते चेन्नई की टीम। ऐसे में 163 रन के लक्ष्य पंजाब पीछा करने उतरी और शुरुआत में ही ताबड़तोड़ रन बनाए जॉनी बेस्टो ने। मैदान पर एक और बार 46 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन सोने पर सुहागा तो ये हुआ उनके साथ राइली रॉसो ने 43 रन जड़ दिए मैदान पर सिर्फ 23 गेंदों पर। दोनों ने मिलकर आधा मुकाबला यहीं समाप्त किया था। फिर आए शशांक सिंह नंबर 4 पर, आधे ही जड़ दिया इन्होंने बेहतरीन छक्का। फिर अगली गेंद पर एक और चौका जड़कर
25 रन जड़ दिए एक ही इस मुकाबले में शशांक सिंह ने और मैदान में सिर्फ 17वें ओवर में ही पंजाब को 7 विकेटों से विजेता बनाया। 200 के स्ट्राइक रेट से शशांक सिंह ने 26 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली और मैच को भी जिता दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में शशांक सिंह भारतीय टीम में खेल सकते हैं या फिर नहीं, कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक और बार मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया महेंद्र सिंह धोनी ने आज पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के महा मुकाबले में, जिसको पंजाब किंग्स ने शानदार तरीके से जीत लिया और चेन्नई को हार का मजा चखाया। लेकिन दोस्तों जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी मैदान पर, ऋतुराज गायकवाड़ काफी धीमी पारी खेल रहे थे और 68 रन बनाकर अपनी विकेट भी गवा चुके थे 48 गेंदों में। तब जाकर मैच को फिनिश करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए 19वें ओवर में। आते इस तरीके से कवर ड्राइव खेलकर बेहतरीन चौका जड़ा महेंद्र सिंह धोनी ने, फिर उसकी चौथी गेंद पर इस तरीके से सामने की तरफ हर्षदीप सिंह को जड़ दिया लंबा छक्का और दो ही गेंदों पर जड़ दिए दो बड़े शॉट्स। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे 14 रन पर, तब डैरिल मिचेल को सिंगल देने के चक्कर में इस तरीके से जैसे ही हर्षल पटेल ने थ्रो फेंका दूसरे एंड से रन आउट हो बैठे महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिया, एक छक्का और एक चौका जड़कर और 162 रन तक चेन्नई को पहुंचा दिया। हालांकि ये टोटल भी काफी ज्यादा छोटा पड़ गया चेन्नई के लिए, क्योंकि अंत में पंजाब ने मात्र 17वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया, जहां बेस्टो ने 46 और रॉसो ने 43 और शशांक सिंह ने 25 रन जड़े। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 49वां मुकाबला भी समाप्त हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में सैम करन ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे व ऋतुराज गायकवाड़ सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन अजिंक्य रहाणे ज्यादा देर इस मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों हरप्रीत बरार की गेंद पर सीधा कैच दे बैठे रॉसो को टॉप एज के चलते 29 रन बनाकर 24 गेंदों में आउट हुए रहाणे। उनके बाद शिवम दुबे का सबसे बड़ा झटका लगा, जो कि आते ही पहली ही गेंद पर इस तरीके से हो गया LBW आउट। बड़े हिटर शिवम दुबे मात्र 0 रन बनाकर हुए आउट। दोस्तों उनके बाद सर जडेजा भी इस तरीके से हो गए 2 रन बनाकर मात्र LBW आउट। झटके काफी लग रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन दूसरे एंड से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट लगभग ODI से भी खराब था। दोस्तों काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी धीमा इनका अर्धशतक भी आया, लेकिन जिस हिसाब से रनों की गाड़ी चल रही थी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा था चेन्नई का स्कोर, क्योंकि ऋतुराज का गायकवाड़ का अर्धशतक काफी धीमा आया। उनके बाद रिजवी भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें 62 रन बनाकर हर्षदीप सिंह की इस गेंद पर इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए ऋतुराज गायकवाड़। 48 गेंदों में सिर्फ 62 रन लगाए, 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मात्र 162 रन तक ही चेन्नई की टीम पहुंच पाई। इस चीज के पूरे जिम्मेदार ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की इस धीमी बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे। दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल 2024 का 48वां मुकाबला लखनऊ के एकाना मैदान पर समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता था घरेलू कप्तान KL राहुल ने और गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए चारों खाने चीत होकर रह गई थी पूरी मुंबई इंडियंस की टीम, जहां कोई बल्लेबाज इनके पास 50 रन तक नहीं लगा पाया था और अंत में मात्र 144 रन ही मुंबई की टीम बना पाई थी। ऐसे में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत भी खराब रही थी, जहां इनके पास डेब्यूटेंट बल्लेबाज अश्विन कुलकर्णी मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए थे इस तरीके से दोस्तों तुषारा की गेंद पर। लेकिन उनके बाद कप्तान राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन ये भी 28 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और पीछे नवीन ने शानदार कैच बाउंड्री पर।